कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में किसानों की आय दुगनी, चुनौतियां व समाधान विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडे ने किया। इस मौके पर पद्मश्री डॉक्टर ब्रह्मा सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में लगभग 200 कृषि छात्र, प्राध्यापक, विशेषज्ञ, विभिन्न शिक्षा संस्थानों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेश ठाकुर, संगठन सह मंत्री रघुनंदन भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय के संविदक अधिकारी व विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दुगना करने के लिए रिसर्च को और तेज करने की जरूरत है। वैज्ञानिक जैविक और जीरो बजट खेती पर रिसर्च करें और इसे कमरों तक सीमित ना रखें, क्योंकि रिसर्च के माध्यम से ही किसानों की आय दुगनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो भी रिसर्च है वे प्रैक्टिकल रूप से हर किसान तक पहुँचे तभी उसका लाभ है। मारकंडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बार कृषि बजट 771 से बढ़ाकर 687 करोड़ कर दिया है और जब से प्रदेश सरकार बनी है तब से कृषि विभाग को 52 करोड़ का बजट दिया जा चुका है। इसमें 3 करोड़ शून्य लागत खेती के लिए अलग से है, जबकि जैविक बागवानी के लिए 30 करोड़ का बजट 31 मार्च तक जारी हो चुका है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस तरह प्रदेश के दोनों विश्वविद्यालयों को 5-5 करोड़ रुपए का बजट बढ़ा दिया गया है ताकि बेहतर रिसर्च हो सके और वे रिसर्च हर गांव और हर किसान के घर तक पहुंचे ताकि उनकी आय बढ़ाने में सहायता मिले। इस प्रकार मशीनरी के लिए 27 करोड़ के बजट का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि खासकर जैविक और शून्य लागत खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च करें। मंत्री ने मौसम में हो रहे बदलाव के चैलेंजेस से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को रिसर्च करने की सलाह दी ताकि एक तरह उत्पादन बढ़ने के प्रयास हों और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज बाधा न बने। जिस देश के मौजूदा हालत से मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर हम देखें भारतवर्ष आजाद हुआ था 1947 में हमारी जनसंख्या मात्र 33 करोड़ हुआ करता था। अब हमारी जनसंख्या बढ़कर जो आज 33 करोड़ पहुंच चुका है और आज खाद्यान्नों का उत्पादन जो है हमने 4 गुना 1/4 बढ़ोतरी की है। साथ ही चिंता का विषय और भी है जो हमारा इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जो जीडीपी को बढ़ाने वाले जो 3 सेक्टर्स विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका कंट्रीब्यूशन मात्र 17.4% है और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसका सहयोग जो है 24.2% है। सर्विस सेक्टर जिसका सहयोग जो है 57.5% है। चिंता का विषय इसलिए है हम एक साइड एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर जो है बढ़ना चाहिए, किसानों का आय बढ़ना चाहिए। किसानों का आय बढ़ाने के लिए 3-3 विभाग है मुख्य तौर पर जो इस मैं समझता हूं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पक्ष पर जिसका बेनिफिट जिसका फसल का उत्पादन जो किसान करता है उसे उसे रिटर्न 3 महीने के अंदर मिलता है। जो किसान भैंस पालता है जो गाय रखते हैं उसका दूध का प्रोडक्शन जो है वो दूसरे दिन को पैसे मिल रिटर्न मिलना शुरू होता है। उसी तरह बागवानी है आज सेब के नए नए फसलें आ चुके हैं आपका रिटर्न 2 साल के अंदर मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री का जी जो है कैसा का क्षेत्र है जिसमें कहा गया कि आप हर भारतीय का आमदनी है हर हिमाचली की आमदनी दुगना हो 2022 तक हो यह चिंता का विषय है। मेरे पास कुछ और ऐसे भी आंकड़े हैं जब मैं आंकड़े पढ़ता हूं जब स्टडी करता हूं तो कई बार लगता है चिंतित होते हैं। पावर टिलर्स हो ट्रैक्टर्स हो इस तरह की सुविधाएं हर गांव में पहुंचे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो पूर्व सरकार के समय में पावर टिलर के लिए स्प्रिंकलर के लिए पॉली हाउसेस के लिए जो 12 बीघा 1 हेक्टेयर जमीन का कंडीशन रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसे घटा के सट्टे सारी खत्म कर दिए ताकि हर किसान के घर में इस सुविधा पहुंचे ऐसी योजना बनाई गई है। पूर्व में ये बजट
मशीनीकरण के हिमाचल प्रदेश के अंदर मात्र 16 करोड़ था, इसे बढ़ाकर 27 करोड़ कर दिया गया है। हमारी सरकार ने 5 दिन पूर्व 178 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बढ़ाकर भारत सरकार को भेजा है, जिसे धांधली मंजूरी मिलने वाला है। जायका के माध्यम से 1,000 करोड़ का हमने स्कीम स्वीकृत की है, जो पूर्व में सिर्फ मात्र 5 जिलों के अंदर हुआ करता था। हम तभी अपना जिस विषय की मैंने बात की है, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, ये तभी संभव है जब इसमें आपका सबसे सहयोग आप सभी का रहने वाला है। मैं जानता हूं विभाग तत्पर है, मैंने इसी मंच से घोषणा किया था माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से कि सामने मुख्यमंत्री महोदय यहां पर थे, कि हम चाहते हैं कि हमारा जेके वीके से ये जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा जाए। हमारे वरिष्ठ सांसद महोदय ने एक हफ्ते के अंदर सारे केवीकेस को जोड़ के दिखाया है, मैं इसको बधाई देना चाहता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अब हम सबके सामने एक बड़ा चैलेंज है, ये चैलेंज छोटा नहीं है, इसको चैलेंज लेके चले। बजट जिस तरह से कहा गया, हमने दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए 5-5 करोड़ का इसे बढ़ोतरी किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं रिसर्च और सेंचर की जरूरत है। ये यूनिवर्सिटीज सिर्फ पालमपुर यूनिवर्सिटी के अंदर या सोलन के अंदर ही ना रहे, मैं जानता हूं आपका मेहनत करते हैं, मेरा आप सबसे सुझाव रहेगा एसेंशियल सर्विसेज रिसर्च सेंटर